इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरे वतन के शाहिदों, तुमको मेरा सलाम हो, तुमसे से मेरी इज्जत, तुमसे मेरा पैगाम हो। आए हक के शाहिदों, वफा की तस्वीर हो, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। इसके बाद 4400 के सदर शबीर बशीर से गुजारिश करूंगा कि वो सेज गए और अपने ख्याल का अदा करें। शबीर बशीर बैठे हुए मेरे पारा पारा देश के नाम अगर बादशाह साथियों, आप तक मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज की यह खूबसूरत तरनी शुहदाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो रही है। इस प्रोग्राम के लिए हमने बहुत से लोगों को मजबूर किया, लेकिन नासाज मौसम के हालात की वजह से हमारा प्रोग्राम इस तरह नहीं हो सका। मौसम की खराबी के बावजूद बाहर से आने वाले ने अपने मासूम मेहमानों का जिसकी अदा गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करूँगा आप लोगों और अपने कायदीन के दरमियान ज़्यादा देर तक खायल न रहूँ। चंद बातें आप साथ के गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। 1941 का दिन, 1941 का दौर, 13 जुलाई का दिन कश्मीर की तारीख में सुनहरी हसीयत रखता है। उस दिन 22 कश्मीरी लोक कानून ने अपनी जानों का नजराना पेश करके तहरीक आजादी ने कश्मीर की बुनियाद रखी। सिलसिला चलता रहा। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान मालिक अठवान आलम के तस्व में शामिल हुए और फिर कश्मीर बात शुरू हुई। 1947 से कश्मीरी शहरों का जो नर्क वाला सैलाब था चलता रहा। ये कश्मीरी कौम आज तक डाकू गुर्दा को अपने इस तीनों तक कुर्बान करती, लेकिन कदम तक ये कश्मीरी कौम आजादी की हजारों के साथ नहीं ले सकी। डाकू हमारी बहनों ने अपने इस पिटों पर उतार दिया, लेकिन ये कौम फिर भी आजाद न हो सकी। लोगों की बुनियादी चीजें क्या है, इस चीज को हमने समझना होगा, उन हदायत को हमने समझना होगा। अपनी गद्दार ने बैरूनी अकाउं के काटा रहे थे, काटा लिए उनके दरों पर कुत्ते की तरह कम हिलाते हैं और अपने इस कश्मीरी कौम का बुनियादी पैदाशी और आदमी सत्यम खुदा जो हक है, पैदाशी हक है, उससे इनहराब कर रहे हैं। आज हमें किसी गुमाश्ते की, किसी बैरूनी आका की, कश्मीर पॉलिसियों की कदम पर जरूरत नहीं। हम उनकी कश्मीर पॉलिसियों का अपने जूते की नोक से मारते हैं। आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें अपनी कसों के अंदर नफ नफ पैदा करने की जरूरत है। लोगों आपने देखा होगा आज रोटी के दाने दारू ने खान के मुंह से एक नवाबा तक छीन लिया। कहीं चौकूरी नजरिया की हार में रहा कि पाकिस्तान की बात हो रही है और कहीं दीन के मदारी दीन का लबादा और कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस्तेमाल है तलब के कहीनों से कि आपने मुस्तफ़ में नस्ल वक्त को पैदा करना है, मकबूल बट शहीद के नजरिए को उनके करतार पर समझना है और उनकी छोड़ी हुई शमों को लेकर चलना है। मैं आखिर पे चेयर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। गए वजीम बजर पतम को अदाए महबूब कह कर चुके हम, अब खुशी को एक हमारी तरफ तो पत्थर उसका जवाब होगा। वाकई का वादा अली।